हेलो स्टूडेंट, दिस क्वेश्चन इज ऑफ रेडॉक्स और हमें यहाँ पे एक रिएक्शन दिया गया है। ओके और हमसे क्या पूछ रहा है कि इन द अबव रिएक्शन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड बी इन्वॉल्व इन द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ रिडक्टेंट। ओके तो 1 मोल जो हमारा रिडक्टेंट है उसके ऑक्सीडेशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली इन्वॉल्व है हमें वो बताना है। ठीक है, तो हमारा रिएक्शन क्या है बेसिकली यहाँ पे, के एम एन ओ फोर प्लस 5 H2S प्लस 6H+ गिव्स 2 Mn प्लस 2 प्लस 2K प्लस प्लस 5S प्लस 8H2O। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा मैंगनीज है बेसिकली क्या है, ये है प्लस 7 स्टेट में और ये कहाँ जा रहा है, प्लस 7 से कहाँ जा रहा है, प्लस 2। ठीक है, इसका क्या हो रहा है बेसिकली, रिडक्शन हो रहा है और चेंज कितना आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे चेंज आ रहा है आपका कितना है, 5 का। ठीक है, 7 से कहाँ गया, 2, तो चेंज आ रहा है 5 का। यहाँ पे जो हमारा सल्फर है बेसिकली कितना है, -2 है स्टेट में और -2 से कहाँ जा रहा है, ये 0 जा रहा है। ओके तो इसका क्या हो रहा है बेसिकली, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन और चेंज कितने का आ रहा है यहाँ पे, 2 का आ रहा है। ओके, चेंज इज इक्वल्स टू 2। तो हमें क्या बोला है यहाँ पे कि 1 मोल ऑफ रिडक्टेंट को ऑक्सीडाइज होने में कितना इलेक्ट्रॉन लग रहा है। ठीक है, तो रिडक्टेंट कौन होता है, जो खुद क्या हो, ऑक्सीडाइज हो। तो यहाँ पे H2S क्या हो गया हमारा, रिडक्टेंट हो गया। ठीक है, H2S में सल्फर कितना है, -2 स्टेट में है, वो जा कहाँ रहा है, सल्फर के स्टेट में, दैट इज 0। मतलब यहाँ पे क्या आएगा बेसिकली, हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 1। सो होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन। थैंक यू।